हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हुमर्स ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज है संडे, तो मैं आप लोगों के लिए संडे स्पेशल कुछ स्पेशल ही लाई हूँ, जो कि मेरी वीडियोस में कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये वाला वीडियो कब आएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ चिकन की रेसिपी। आज है हम बनाएंगे चिकन मसाला। तो चलिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा देख करके, और घर में बनाइए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी खिलाइए, और मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, इसी तरह और भी बाकी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए किचन रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ, यह है पोटैटोस, आलू छील करके मैंने पानी में डुबो करके रखा है कट करके, यह है अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्चें टमाटर दो, ये देखिए काटे नहीं है मैंने, ये कट करके कुछ रखे हुए हैं, और एक प्याज मैंने लंबा लंबा कट करके रखा हुआ है। अब हम मिक्सी के जार में अदरक लहसुन को जिंजर गार्लिक को डाल देंगे, और प्याज जो हमने बड़े बड़े पीसेस में कट करके रखा था दो प्याज उनको ले लेंगे, हरी मिर्चों को और टमाटर को सारे को एक साथ डाल करके हमको पेस्ट तैयार कर लेना है। यह है फाइनल चीज़ जिसकी हम आज रेसिपी बना रहे हैं, यह है चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, ये ले रहे हैं सूखे गरम मसाले, तेज़पत्ता, लाल सूखी मिर्च, इलायची, गोल मिर्च, लौंग, और एक थी बड़ी इलायची। अब तेल में हमने सारे गरम मसालों को ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा जीरा भी ऐड किया हुआ है 1 टीस्पून, और प्याज जो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके रखा था लंबे लंबे उसको डाल दीजिए, और इस तरह से फ्राई करते जाइए। अगर आप इसमें कुछ अलग से भी गरम मसाले ऐड करना चाहते हैं जो आप लोग खाते हैं वो आप लोग डाल सकते हैं। ये है पिसा हुआ मसाला जो हमने मिक्सी में एक साथ में पेस्ट तैयार कर लिया है सारा कुछ डाल करके। अब इनको हमको मसालों को फटाफट से भूनते जाना है, कोई जल्दबाजी ना करिए, आराम से मसालों को भूंजिए। तेल आप ले सकते हैं कोई भी जो आप पसंद करते हो, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हो या नॉर्मल रिफाइंड ऑयल हो। अब हम इन मसालों में ऐड करेंगे सूखे गरम मसाले, तो हमने लिए ही थे, अब हम डालेंगे पाउडर मसाले, जिसके लिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हमने लिया है 2-2 चम्मच। ये है गरम मसाला 1 चम्मच, जो भी आपके पास गरम मसाला हो वो आप ऐड कर दीजिए, और बस हमको मसालों को इस तरह से भूनते जाना है। मसाले अगर थोड़े सूखे लगे तो थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे कोई नीड नहीं हुई पानी की। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, ये हमने डाला है 2-2.5 टीस्पून सॉल्ट, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब इस टाइम पे हम डाल दे रहे हैं इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इस तरह से अगर आप सरसों के तेल को ऐड करते हैं मसालों में तो मसाले भी बहुत अच्छे से भुंज जाते हैं, और सरसों के तेल का एक फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है, और मसाले जलते भी नहीं हैं। इस तरह से बना के देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अब हम चिकन के पीसेस को कढ़ाई में ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को अच्छे से साफ़ कर लीजिए पानी से, उसके बाद ही इसमें डालिए मार्केट से लाने के बाद। सारे इसमें डालने के बाद अच्छे से मसालों के साथ में हमको कुछ देर इसी तरह भून लेना है। मसालों को फटाफट ना करिएगा, आंच को कम करके धीरे धीरे पकाइए। अब हम ढक करके चिकन को इसी तरह पकाएंगे, ढक ढक कर हमको मसालों में पकाते जाना है। बिल्कुल भी इसमें कोई जल्दबाजी ना करिए, आराम से पकाइए, बहुत अच्छे से चिकन जो है मसालों के साथ पक जाता है। इस तरह से आपको धीमे आंच पे धीरे धीरे भूनना है। अब इस टाइम पे हम जो आलू लिए थे पोटैटोस, अगर आप लोगों को आलू उसमें पसंद ना हो तो आप हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमको आलू पसंद है चिकन मटन में, तो हम लोग ऐड करते हैं बड़े बड़े पीसेस में। अगर आलू इस तरह से कट करके डालते हैं छील करके तो बहुत अच्छा स्वाद आता है चिकन का। देखिए, उसमें पूरा जो मसालों का स्वाद होता है वो आलूओं में भी चला जाता है। धीरे धीरे करके देखिए हमको पकाते जाना है। ये है बिरयानी मसाला, शाही बिरयानी मसाला जो भी हो, या गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बिरयानी मसाला हम ऐड कर रहे हैं इसमें, इसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चिकन में।
वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं दिखा दूँ। देखिए बिरयानी मसाला है मेरे पास, जो वो हमने ऐड किया है 1 टीस्पून। ये बहुत ज़्यादा ना डालिए ये, क्योंकि वैसे तीखा होता है, जो लोग तीखा पसंद नहीं करते हैं वो भी इनको हटा सकते हैं। अब इस टाइम पे हम ऐड कर रहे हैं इसमें कर्ड, या दही बोल सकते हैं उसको हिंदी में, कर्ड हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून बड़ा। ये हमने छोटे चम्मच में डाला है इसलिए हम धीरे धीरे करके डाला गया है। अगर आप बड़े चम्मच में डालेंगे तो 1 टेबल स्पून इसमें हमने दही ऐड किया है। दही डालने के बाद भी अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद ढक ढक कर इसे पकाते जाइए। जब तेल सेपरेट होने लगे तो आपको पता चल जाएगा। इधर देखिए हमने इंडक्शन में पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। गर्म करके अगर आप पानी ऐड करते हैं सब्जी में तो बहुत जल्दी से ग्रेवी तैयार होने लगती है। अब हमने पानी ऐड कर दिया, देखिए पानी गर्म था इसलिए फटाफट से उबाल भी आ गया है। पानी आप अंदाजे से डालिए जितने आपको ग्रेवी चाहिए है। 2 बड़ा कप हमने पानी यूज़ किया है इतनी ग्रेवी के लिए। अच्छे से उबाल आ जाए, ढक ढक कर ही पकाइए। मैं तो जल्दी में दिखा रही थी क्योंकि वीडियो में तो आराम से दिखाया नहीं जा सकता है। उसके बाद हरा धनिया से आप डिश को बस फाइनल टच दे दीजिए। उसके बाद उतारिए, चावल रोटी नान या किसी के भी साथ खाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। ये रही रेसिपी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।